वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th यूनिट नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस की गई हैं कि कैसे हीट एनर्जी की वजह से हमारी एनवायरनमेंट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। अब देखें, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम जैसे पोल्यूशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, दैट कंसिस्ट ऑफ नॉइज़। अब पोल्यूशन किस किन फैक्टर से मिलकर बनती है? नॉइज़ है, जैसे गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का बहुत ज़्यादा शोर होता है उनसे। फिर एयर पोल्यूशन है, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है उस वो जो धुआं रिलीज़ करते हैं इंजन्स, वो उसमें वो एयर को पोल्यूट कर देते हैं। फिर वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। अब ये मे अराइज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये जितनी भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर, वाटर पोल्यूशन, ये सारी जो है किस वजह से आती हैं? ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी हैं। अब पोल्यूशन जो है ये एक चेंज है इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो तो एनवायरनमेंट जो है 100% प्योर होगा, यानी क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। लेकिन जैसे इसमें पोल्यूशन ऐड हो जाएगा तो इसमें क्वालिटी में चेंज आ जाएगा, जो कि हार्मफुल होता है और अनप्लेजेंट होता है लिविंग थिंग्स के लिए। अब अ टेम्परेचर राइज इन द एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स द लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन क्या होती है? जैसे रोज़ बरोज़ आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो राइज होता चला जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? थर्मल पोल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए, थर्मल पोल्यूशन क्या करता है? पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। उससे बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी जो सर्वाइवल है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है, एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। अब जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, हवा में मौजूद जितनी जो हार्मफुल अनवांटेड सारे पोल्यूटेंट्स हैं, वो नेचुरल प्रोसेस जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर्स है, और डस्ट है, स्टॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये एयर में ऐड हो जाते हैं। ये रेयरली बिल्ड अप टू हार्मफुल लेवल्स, और ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यानी जब ये सारी पोल्यूटेंट्स एयर में एड अप हो जाएंगे तो एयर को इम्प्योर कर देंगे, और ये इम्प्योर एयर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल होगी। दूसरी तरफ देखिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जहाँ फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है घरों में जो कि हम जलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, रिलीज हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब ये जो हम घरों में भी अक्सर जो कूड़ा वगैरह इकट्ठा जला दिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर एयर में ऐड हो जाती है, एयर को इम्प्योर कर देती है। ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट। अब जैसे प्रोसेस हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस, उसमें हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब सारी की सारी हीट एनर्जी को हम यूज़ नहीं करते, कुछ इसमें 10% या 20% हीट को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बाकी जो मोस्टली हीट है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है, जिससे थर्मल पोल्यूशन जो है वो पैदा हो जाती है। अब आप देखें, द हीट रिलीज्ड इनटू अब ये जो हीट रिलीज्ड इनटू अ लेक, रिवर एंड ओशन अपसेट्स। अगर यही इन चीज़ों को हम लेक में, रिवर में, ओशंस में हम रिलीज़ करें इस हीट को, तो ये क्या करती है कि इन लेक्स ओशंस की लाइफ को अपसेट कर देती है, ठीक है। फिर आप देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सम ऑफ दीज लॉज लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स आर अलाउड टू गिव ऑफ। अब हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई लॉ है नहीं, लेकिन बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ पास किया है, जिसमें जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में जो हीट एनर्जी वगैरह रिलीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ जो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, उनको हम इस तरह से समंदरों और ऐसी जगहों पे हम नहीं फेंक सकते। टू मीट दिस कंडीशंस फॉर ऑटोमोबाइल्स, न्यू कार्स हैव कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। अब देखें, टू मीट कंडीशंस फॉर ऑटोमोबाइल्स, अगर हम ऑटोमोबाइल्स को देखें, इसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं। ये डिवाइसेस क्या करती हैं कि पोल्यूटिंग डिवाइसेस कन्वर्ट सम पोल्यूटिंग गैसेस। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, अब इसके लिए क्या होता है कि लेड फ्री पेट्रोल यूज़ किया जाता है, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो ग्रेटली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। अब एयर में जो लेड रिलीज़ होती है, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट, इसकी जो लार्ज अमाउंट पहले रिलीज़ हुआ करती थी उसकी अमाउंट को ये रिड्यूस कर देता है। फिर इंजीनियर्स हैं वर्कआउट कर रहे हैं इम्प्रूव द न्यू काइंड ऑफ कार इंजन्स, कार के इंजन्स को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए न्यू टेक्निक्स जो है वो उस पर वर्कआउट हो रहा है उनका। फिर बहुत से इंडिविजुअल कम्यूनिटीज़ हैं, उन्होंने भी लॉज पास किए हैं एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पोल्यूशन से। अब इंडिविजुअल कैन ऑल्सो कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन सिंपली बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कार्स एंड। अच्छा, अब बीइंग इंडिविजुअल्स, अब हम किस तरह से इन सारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं कि जैसे अब एक घर के चार अफराद हैं, चारों के पास अपने अपने ट्रांसपोर्ट है, तो बजाय चारों अलग अलग ट्रांसपोर्ट को लेकर बाहर निकलें, उसे यूज़ करें,
और उसका जो इंजन्स का जो धुआं है वो एयर में रिलीज करें, जिससे थर्मल पोल्यूशन इंक्रीज हो। बजाय इसके वो क्या है कि चार के चार एक ही, जब एक ही जगह जाना है तो एक ही अपनी ट्रांसपोर्ट लेकर निकल जाए। तो इस तरह से हम जो है वो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। शेयरिंग राइड्स, ये जो मैंने भी कहा, राइड शेयर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, इस तरह से हम जो है वो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं।